आप आइसक्रीम वगैरह खाने का शौक रखते हैं? आइसक्रीम बस जो खाई है थोड़ी खाई है। आइसक्रीम बहुत शौक से खाता है। आइसक्रीम वाली कुल्फी को नहीं, कंपनी वाली बाहर के छी दींदा डेढ़ रुपये वाली भी पीते हैं। आइसक्रीम फजी को घणो उस्ताव रहो में चुख वर्ग से बर्फ गेस्टे ने हमारा आइसक्रीम फजी आवाज़ तब्दील बगे चुख वर्ग। एक कप कप होता है 30-40 रुपये में जो कप मिलता है ना, वो एक दो दफ़ा खाइए, वो विशेष शौक के तौर पे ना। तो कुल्फी खाइए कभी कभार जैसे गर्मियाँ आती हैं। आइसक्रीम का अच्छा शौक है, खाते हैं आइसक्रीम तकरीबन हफ्ते में एक बार लाजमी खाते हैं। शौक तो जान मुद्दा कैसे दिखाया मुझे तो बाहर के बैठे दे रासी खाई। हाँ हमारे बच्चे जो है वो मोहल्ले में ही ले लेते हैं वैसे दुकान वगैरह से, जैसे शॉप से नहीं। आप भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभार? मैं कभी कभार इस्तेमाल करता हूँ। जी नहीं मुझे पता नहीं। नहीं बस नहीं। फिर बोलो। बेस्किन रॉबिन्स? बेस्किन रॉबिन्स नहीं मैंने नहीं सुना। बास्किन रॉबिन्स? बेस्किन रॉबिन वो एक अमेरिकन कंपनी है जो कि 1945 में काम की गई थी। अमेरिका के ग्लेन हिल एक शहर है अमेरिका का, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जो अमेरिका का एक रियासत है। वहाँ के दो दोस्त थे 1945 में, उन्होंने वो कंपनी बनाई जो आइसक्रीम के हिसाब से बहुत मशहूर होती है। अब जो वो है वो 50 मुल्कों में उनकी आइसक्रीम दस्तियाब है। उन्होंने अपने जो कंपनी में 31 फ्लेवर आइसक्रीम के लगाए। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि फ्लेवर किसको कहते हैं? तो अभी इसको टेस्ट करेंगे पता चलेगा। बास्किन रॉबिन्स बियर के बीच में कोई ऐसी चीज नजर आ रही है? एक्टिया। इसने तो पैकिंग एडवर्टाइजिंग भी अच्छी दी हुई है, पैकिंग वैकिंग बनाए हैं तो खा के देखते हैं कि इसमें है क्या। अच्छा चम्मच पे भी नाम दिया। चम्मच देखें ये नहीं टूट नहीं रहा, शायद टूट भी जाए लेकिन नहीं टूट रहा। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का चम्मच है, पैकिंग है, टिशू है। नहीं इतनी मेहनत कहाँ अपने इधर करते हैं, ये तो बाहर की कंपनी है जो इसके ऊपर इतनी मेहनत हो रही है। और वाह रे वाह। ये क्या है? ये मैंने अभी खोली है, ये पैकिंग भी बहुत अच्छी है और इसमें मटेरियल भी जो है अच्छा लग रहा है दिखने में। तो बिल्कुल साफ। मैं बताता हूँ अगर इसका इतना नाम है तो इनकी चीज़ भी ऐसी है या ये हमारे वाले इधर के अच्छे हैं। अब मैं इसको खा के देखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बहुत अच्छी है साहब। ये शय करते ना ये हमें गाडू और घूम रहे हैं, हमें घंटिया के वजह और उसका गिलियाँ थे ना, ये सही गुण है, ये साफ है बिल्कुल। हाँ आइसक्रीम में निकस है। मैं चॉकलेट जजाई को आई खीर आए अच्छा चॉकलेट जो नहीं लेकिन नहीं खाने में बहुत अच्छी है और पैकिंग भी बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सब चीज़ें आपके सामने हैं। इसकी कीमत पता नहीं क्या है, मेरा तो 100 नंबर है इसको। इनमें मिठास जाम आई, मिठास देते वाली बहुत है पर इनमें खीर जजाई को आई। मैं ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये गाढ़ा हो, जैसे इसमें दूध ज़्यादा हो, ऐसे महसूस हो रहा है। केमिकल है बगैर इसकी अब साफ है बिल्कुल में कष्ट नहीं। इसकी तो बाहर ले मुल्क रियल रियल के हैं। इसमें से तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये तो मेरी पसंदीदा। अल्लाह आपका भला करे, आप हमें नई नई चीज़ें खिलाते हैं तो मैं तो ये और रहे तो और खा लेंगे। ये फ्लेवर बहुत अच्छा लगा। अच्छा वो उससे भी अच्छा मैं बताऊंगा। मैं भाई 100% भी ये ज़बरदस्त है। ये स्ट्रॉबेरी है। अच्छा देखूँ भाई। हाँ भाई बहुत स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में नहीं खाई है कभी। नहीं स्ट्रॉबेरी में नहीं खाई। स्ट्रॉबेरी मैंने खाई है एक दो दफ़ा भाई, मैंने वैसे नहीं खाई। फ्रूट जनाला चाय
स्ट्रॉबेरी। यार ये तो भाई देखो अभी ये तो आपने इम्तिहान में डाल दिया हमें, अभी इस पे क्या नंबर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये बहुत ज़बरदस्त है, देखने में आ रही है शायद ना, बहुत अच्छी लग रही है। वो आपने जो पहले मुझे आइसक्रीम खिलाई है उसका क्या नाम बताया था? उससे अच्छी लग रही है, थोड़ी सी खट्टी सी लग रही है वो पेरे वाले से। ठो इसकी आँख सही, बिल्कुल सही सही। ये इस तरह की तो आप मुझे रोज़ाना बुला सकते हैं, रोज़ाना बुलाओ, ये हम आएंगे। मैं 70-80 किलोमीटर दौड़ता हुआ आऊँगा, इतने गर्मी है और ये इतनी अच्छी चीज़ आप खिलाते हैं। ये भाई ये भी 100% ये मैं पूरी नहीं खाऊंगा, ये मुझे इतना मज़ा नहीं दिया, सिर्फ टेस्ट किया, इसको मैं 7 नंबर दूँगा। इसकी अच्छी मिक्स भी है, हम उगरा ही झप्पे हैं तो इसके भी 10 नंबर ही हैं। 8-9 नंबर ये मैं 3% खाई है, 7% छोड़ दिए, 7 नंबर दिए मैंने। ये नंबर ही घटे आन है, फर्क सिर्फ ये नंबर है। ये देखें इसमें बिल्कुल स्ट्रॉबेरी है, ये कारीगर सागी है, कंपनी सागी है, पर स्वालम सिक इसी ज्यादा शीर घटे आई है शीर किस्ते। और उसमें ओरिजिनल खाने का जायका, ये अलग ही नेमत है। और जिस ईमानदार बंदे ने ये शॉप चलाई हुई है उसके काम में भी अल्लाह बरकत दे। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है यार ये, मैं सलाम करता हूँ बेस्किन रॉबिन्स को। भाई इस तरह आप मुझे अगर खिलाते रहेंगे तो मैं 10-15 डब्बे खा जाऊँगा। वनीला का स्ट्रॉबेरी का भी जायका है, अभी मेरा दिल कहता है रात को पानी भी नहीं पीऊँ। ये तो फिर चॉकलेट, चॉकलेट ये चॉकलेट वाली है। यार चॉकलेट मुझे इतने अच्छे तो नहीं लगते, लेकिन देखता हूँ। अदनान भाई मुझे आप ये शाम तक खिलाते रहेंगे, मैं खाता रहूँगा, मुझे तो ये अच्छी लग रही है, मैं खाता रहूँगा, लेकिन आप जो है ना फिर कहाँ से लाएंगे इतनी आइसक्रीम? दिखने में तो बहुत अच्छी है यार, इसमें देखता हूँ मैं, लेकिन वो जायका ऐसा है कि मेरा दिल नहीं करता खाने को। वो दोनों जायके ऐसे थे, मैं कहता हूँ वो जो मेरा मुँह में ना वो बना हुआ है ना ज़बरदस्त माहौल, तो इसकी वजह से ज़ाया ना हो जाए सारा। आप चॉकलेट खा के देखता हूँ कि ये कैसी है। बिस्मिल्लाह, तो चॉकलेट जो लगे खीर जो मीठा है, पर थोड़ा सा जो कड़वापन होता है चॉकलेट में वो तो है इसमें, लेकिन जायका बड़ा ज़बरदस्त है। ये है इसमें हल्का सा है, लेकिन उतना नहीं है जितना वो, मीठा भी तेज़ नहीं है, हमारे यहाँ मीठा भी तेज़ होता है उसमें। हाँ बाद में, लेकिन इसी नंबर से पी ले खाएँ घट्टा ना हो, थोड़ा कड़वा है, मीठा है पर थोड़ा कड़ो कड़ो। जैसे ट्रॉफी खाता है ना बंदा, इस तरह की वो सख्त सी हुई तो मैं समझा कि शायद कोई चीज़ इसमें और तो नहीं है जो सही एज भला है। इससे अगर गर्मी हमलो न खत पर आज से खालस सी जाएगी। हमारे यहाँ जैसे आपको हमने बताया कि हमारे 50 को क्रॉस कर जाता है, हमारे कई इलाकों में टंडोले आर में जहाँ हम रहते हैं यहाँ भी 50 तक पहुँच जाता है लगभग, तो गर्मी बहुत होती है, इसलिए हमें ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये इसके बकाया फ्लेवर महंगे हैं, मैं नहीं खा सकता हूँ, लेकिन अगर मौका मिला तो आप खिलाओगे तो मैं तो खाऊंगा, तो मुझे अच्छे लगे ऐसे। ऐसा कड़ी खादी कौन जान सी, ऐसा कड़ी शही वणती पर ऐसी खाई कौन था। इसी मगरबाज फलाकन को होटल या नंदे कचहरिया खाना है ना, इसी के गिरे 4-5 मिनट थोड़ा वर्गा गंदा करता आज कुछ कमाद गिरूँ। सब्सक्राइब के सब्सक्राइब मिस्किन रॉबिन्स वालों का बहुत अच्छा है, उन्होंने अच्छी चीज़ बनाई, हमने खाई, हमें लाइक की, हमें पसंद आई। हम देहाती लोग हैं, हमने गांव वाले हैं, हमें पसंद आई है उनकी शहर, पहली दफ़ा ज़िंदगी में खाई। नहीं मैंने नाम भी नहीं सुना था और आइसक्रीम भी नहीं खाई थी, इसकी आइसक्रीम भी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त। शारा मनु मछली रस्सी बात पसंद न कर इसी पसंद कर। क्या ये चैनल के सब्सक्राइब सब्सक्राइब